तो सीन ये है कि ऐसे माउंटेन्स देख के, ऐसी सीनरी देख के, अगर आपने टाइम लैप्स नहीं बनाया तो आप इस जगह पे आएगी। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, सो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सीन ये है कि आजकल बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बारिश गिरेगी कि धूप आएगी, क्योंकि सुबह धूप होती है और शाम को बारिश होती है, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि वेदर का क्या हाल है। ऊपर से जब शादी होती है तो ज़्यादा ही टेंशन हो जाता है। तो अभी मैं शोरूम जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा मुझे काम है, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है, पता चल जाएगा है ना। यहाँ पर देखो काम कैसा चल रहा है, हमारा जो नेबर है आगे का जो वाइट कलर का, वो हो गया इनका फेंस, अब साइड से चल रहा है। मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम शोइंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दे आर माय सब्सक्राइबर, बट दैट्स व्हाई। सो गाइस चेक दिस आउट, पट मालूम का क्या हाल है यार, पूरा ना खाली का खाली डेजर्टेड लग रहा है। एंड पता है इतना डर लग रहा है ना अभी चलने में, क्योंकि ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। एंड मेरी जो वैक्सीन की सर्टिफिकेट है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, तो उसके रिलेटेड काम है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना किसी को चटनी नहीं है। एंड यार पूरा देखो ना बंद है, शिट, मतलब बहुत कम गाड़ी, और हम रॉन्ग साइड से चल रहे हैं बिकॉज वहाँ से उन्होंने बंद किया, आई डोंट नो रीज़न। एंड ये बहुत ब्लर हो रहा है मेरा शीशा, तो मैं चलता हूँ तो और बात होगी इंशाल्लाह। देखो सीन ये है कि मैं यहाँ पर इसलिए रुका, जो आप देख रहे हो ना यहाँ से माउंटेन्स, जो है मेरा शौक है, मेरा ड्रीम है कि मैं इन पहाड़ों पे चढ़ूँ। अब अगर इन पे नहीं, जो इनसे छोटे उन पे चढ़ूँ, ये मेरा ड्रीम है। एंड आपसे ये ड्रीम शेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अब हमारी फैमिली बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब पहले व्यूज़ कम आते थे, लेकिन अब हो रहा है, बढ़ रही है फैमिली। एंड ये रीज़न है मैं यहाँ पर क्यों रुका, ताकि मैं आपको ये खूबसूरत पहाड़ दिखा सकूँ अपने कश्मीर के। सो गाइस मैं उनजू मस्जिद पहुँच गए, एंड अभी हमें वजू बनाना है, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से कितने लोग, पता है हम क्या करेंगे, हम इस साइड से नमाज पढ़ेंगे इस साइड से, क्योंकि इस साइड से लोग कम है, ठीक है, अंदर नहीं। लेट्स डू इट। نماز خطر اوس اوسک تراون سپیکر یا اس بوز ہما بوزن ہور کی نہیں نہ یور جنا بڑ پچھ سری کر سری بوزن یس اس ایم ہپر چھنا کہ ہور سائیڈ اور چھ مشکل یمن بوزن دیکھو سین کے یہ جو نا یہ میرے بڑے چاچو ہے یہ میرے پاپا ہے اور یہ میرے چھوٹے چاچو ہے एक चीज़ है कि हमारा पूरा खानदान उनजू मस्जिद में नमाज पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है बिकॉज ये सारी SOPs फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मस्त है, एंड हर किसी को मास्क लगा के, मतलब लिटरली मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसको मास्क नहीं हो, तो इसीलिए पूरा खानदान हमारा इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है। एंड मैंने सोचा था कॉर्नेटो में खाऊंगा, लेकिन थिएटर बंद है, कुछ पेट का वर्क चल रहा है। एंड अभी आप घर चलते हैं और खाना खाते हैं, और जैसे कि आपने देखा कि पूरा बंद है, मतलब बटा मालूम भी बंद था, सब कुछ बंद है, एंड अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा खुल रहा है बस, बाकी सारा बंद है, ठीक है। तो इस वक्त जो भी काम होते हैं रिगार्डिंग मैरिज, वो बहुत डिफिकल्ट है करना, इसीलिए अगर आप मतलब शादी कर रहे हो या घर में शादी है, तो अच्छा है कि आप एडवांस में ही तैयारी कर लो, मतलब अगर आपको एक महीना है, दो महीना है, अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और जो परमिशन है वो अभी से अप्लाई कर लो, क्योंकि वो वेरीफाई होगा। यस, सो लेट्स गो, घर पे मिलते हैं। पता है मैं अभी घर आया, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, एंड आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था, आप लोगों के, मतलब जितने भी कम लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं यार, कितने अच्छे कमेंट करते हैं, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी मेरी जो पब्लिक है वो कम है, तो अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, एंड मज़ा आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिविटी जो फैल रही है ना, ये बहुत सही फैल रही है। एंड मुझे लगता है कि इस वक्त के टाइम पे ये पॉजिटिविटी हर किसी को ज़रूरत है, एंड मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ दैट यू हैव टू बी नेगेटिवली पॉजिटिव। यस, नेगेटिवली पॉजिटिव, ये सीन है।
चेक दिस आउट गाइस, वाओ लिटरली क्या सीन है यार। मतलब मैं यहाँ पर आया क्योंकि अभी टाइम लगेगा उन्हें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूँ एंड इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। एंड ये देखो ना सीनरी क्या है यार, दिस इज़ क्रेजी, वाओ। मतलब अगर यहाँ पर टाइम लिप्स बनाएगी, अगर मैं अंदर जा पाया मैं टाइम लिप्स एक बनाऊँगा अंदर, ठीक है ना। हाँ अंदर जा सकते हैं वहाँ से, आई डोंट नो यहाँ से रास्ता है, ये बंद है, शिट। सो गाइस मैं यहाँ आया लेकिन यहाँ पर बंद है, देखो यहाँ से भी बंद है। एंड यहाँ से छलांग मारना मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड आइडिया, कुछ भी हो सकता है एंड इट्स नॉट गुड। एंड पता है इस साइड से मैं पहली बार आया हूँ, मतलब मैं इस रूट से तो बहुत बार आया हूँ लेकिन इस साइड से पहली बार आया हूँ। यस एंड चेक आउट द ट्री मैन, पता है हम क्या करेंगे, हम एक टाइम लेस बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा टाइम लेस बनेगा ना पूछो मत, ठीक है बनाते एक, लेट्स डू इट। तो सीन ये है कि ऐसे माउंटेन्स देख के, ऐसी सीनरी देख के, अगर आपने टाइम लेस नहीं बनाया तो आप इस जगह पे आए क्यों। जो स्टार्टिंग में हमारा डायलॉग था वो हो गया जैसे कि आपने देखा हो इंट्रो में, एंड मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ यार। देखो ना यार कौन जाएगा यहाँ से, मतलब ऐसी सीनरी यार, मुझे नहीं पता आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब भी मैं माउंटेन्स को देख रहा हूँ, ऐसे क्लाउड्स को देख रहा हूँ, मुझे कुछ बेचैनी हो जाती है अंदर से। मतलब आई एम जस्ट गेटिंग अमेज्ड सीइंग द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, लाइक आई एम टूरिस्ट। चेक द माउंटेन फ्रॉम हियर, तो सैडफुली हम नहीं जा सकते अंदर बिकॉज वहाँ पर ताला है, वहाँ से भी यहाँ से भी बंद है, तो इसलिए हमें जहाँ जाना है वहाँ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मगर बाहर इतनी अच्छी हवा थी ना, गाड़ी का एसी कुछ नहीं। पता है मैंने अमीगोस भी ट्राई किया लेकिन अमीगोस भी बंद है, वहाँ क्लोज लिखा हुआ है। एंड मैं भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अपोजिट में हूँ एंड ये कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हो कश्मीर यूनिवर्सिटी का गेट है। एंड वहाँ भी हम अंदर गए एक ज़माने में, क्या सीनरी है पीछे से, मतलब मैंने बहुत बार बोली है मैं क्या सीनरी है। तो अब VLCC जाते हैं, VLCC हज़रतपुर, जो कि पहले यहाँ होता था अब शिफ्ट हो गया, ठीक है लेट्स गो। पता नहीं अभी कितना वेट करना पड़ेगा मुझे।